इसी एक्ट में बदलाव के लिए लाए गए अध्यादेश के तहत दोनों नगर निगम में परिवार पहचान पत्र व इलेक्शन डाटा के आधार पर वार्ड बंदी का खाका तैयार किया है। कमेटी के सदस्यों को वार्ड बंदी के दौरान अपनाई गई प्रक्रिया की जानकारी देते हुए बताया गया कि प्रत्येक वार्ड में PPP व इलेक्शन डाटा का आकलन करते हुए जिस वार्ड में PPP की संख्या ज्यादा है वहां PPP को जनसंख्या का आधार माना गया है। वहीं इलेक्शन डाटा में 40% की बढ़ोतरी के साथ यदि वो संख्या PPP से ज्यादा होती है तो वहां इलेक्शन डाटा को वार्ड बंदी का आधार बनाया गया है। DC ने कहा कि गुरुग्राम नगर निगम की वार्ड बंदी में प्रत्येक वार्ड में 40,000 की जनसंख्या को एवरेज संख्या माना गया है, जिसमें 20% के उतार चढ़ाव के साथ ये संख्या कम से कम 32,000 व अधिकतम 48,000 के करीब रहेगी। वार्ड बंदी को लेकर के कल हमने एडहॉक कमेटीज की मीटिंग की, गुरुग्राम की भी और मानेसर की भी। गुरुग्राम में टोटल 36 वार्ड बनेंगे और मानेसर में 20 वार्ड बनाए जाएंगे। इसका एक ड्राफ्ट वार्ड का जो प्रारूप था वो हमने सारे एडहॉक कमेटी के मेंबर से शेयर किया है और कहा है कि 2-3 दिन में उनके जो सुझाव है वो बता दें ताकि फिर हम उसको फाइनलाइज करके सरकार के पास भेज सकें। तो एक बार जब सरकार उसको नोटिफाई करेगी तो जनरल पब्लिक को उस पर ऑब्जेक्शन फाइल करने का अधिकार होगा और उस ऑब्जेक्शन के बेसिस पे अगर कोई चेंजेस होने हैं वो करके फिर फाइनल पब्लिकेशन होगा। गुरुग्राम में लगभग 40,000 की पॉपुलेशन पे एक वार्ड है और मानेसर में लगभग 8,500 की पॉपुलेशन पे एक वार्ड है। पॉपुलेशन का क्राइटेरिया परिवार पहचान पत्र से जो आबादी आती है उसको रखा गया है, साथ ही में जो वोट्स हैं जहां जहां परिवार पहचान पत्र बड़ी मात्रा में नहीं बन पाए हैं वहां वोट्स हैं उसको आधार बना करके वार्ड बंदी की गई। DC निशांत कुमार यादव ने वार्ड बंदी की प्रक्रिया का सरलीकरण कर उदाहरण देते हुए बताया कि यदि किसी वार्ड में PPP की संख्या 150 है और इलेक्शन डाटा के तहत वोटर 100 हैं, तो उस वार्ड में वार्ड बंदी के लिए PPP यानी परिवार पहचान पत्र को आधार बनाया गया है। वहीं किसी वार्ड में PPP की संख्या 110 है और वोटर की संख्या 100 है, जो कि 40% की बढ़ोतरी के साथ 140 होती है, तो इस वार्ड में वार्ड बंदी का आधार इलेक्शन डाटा को माना जाएगा। DC ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि वार्ड बंदी के लिए जो भी मानक अपनाए जाएं, उसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों का प्रतिनिधित्व मिले। DC ने कहा कि कमेटी के सभी सदस्यों को बैठक के उपरांत वार्ड बंदी का नक्शा उपलब्ध कराया जाएगा, जिसके आधार पर वो अगले 3 दिनों के भीतर सुझाव अथवा ऐतराज कमेटी के पास भेज सकते हैं। सदस्यों से सहमति मिलने के उपरांत अगले सप्ताह कमेटी की फाइनल बैठक बुलाई जाएगी, जिसमें सभी सदस्यों से फाइनल ड्राफ्ट पर हस्ताक्षर सहमति लेकर ड्राफ्ट को सरकार के पास भेजा जाएगा। इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए द ग्राउंड न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट, द ग्राउंड न्यूज।